नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना वेरिएबल्स क्या होता है, और उससे कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम लोगों ने किए थे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है दोस्तों डेटा टाइप पे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डेटा टाइप पे बात करेंगे, और डेटा टाइप में स्पेशली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। डेटा टाइप का मतलब ही नाम से ही क्लियर है, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड अगर अंग्रेजी लेटर का आपको दिखता है, सपोज कि आपने राम बोला, तो राम का टाइप क्या है? इट इज़ ए नाउन। आपने ही बोला तो ये क्या है? आपको प्रोनाउन है। उसी प्रकार जो आप वेरिएबल लेते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइप होता है। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैर हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, बाइट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा अगर रेफरेंस में जाएंगे तो स्ट्रिंग हो सकता है, एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। तो इस सारे वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर दिए हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। इन सभी ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। इसका दो ग्रुप है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, या रेफरेंस कह सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव की अगर बात करें तो डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड बाय द जावा लैंग्वेज। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स आर रिजर्व कीवर्ड्स, सो वी कैन नॉट यूज़ देम एज अ वेरिएबल नेम इन साइड प्रोग्राम और एप्लीकेशन। वेरिएबल की तरह उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज डू नॉट शेयर स्टेट्स विद अदर प्रिमिटिव वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा इज 8। ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैज रेस्पेक्टिव रैपर क्लासेज। जैसे इंट है तो इंटीजर कैपिटल में, जैसे इंट है तो क्या हो गया? इंटीजर। उसी प्रकार फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, कैर है तो कैरेक्टर। समझ रहे हैं? इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? बुलियन, कैर, आपका इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। दोस्तों, अब थोड़ा इसके बारे में बात करें, थोड़ा साइज़ के बारे में। डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है? बुलियन की अगर बात करें तो वो 1 बिट का ही होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती है फॉल्स। कैरेक्टर जो होता है, यहाँ जावा लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो करता है यूनिकोड कैरेक्टर। दोस्तों, स्लैश U000 4 टाइम्स रिप्रेजेंट करता है। और यूनिकोड कैरेक्टर क्या है? बिल्कुल ही जब जावा बनाया गया था तो इसको किसी लैंग्वेज से डिपेंड या जो चल रहा था कैरेक्टर उस पर डिपेंड नहीं किया गया है। बिल्कुल इसके लिए एक अलग एक कैरेक्टर जेम्स गॉसलिंग जी ने क्रिएट किया था जो वर्ल्ड वाइड चलेगा। चाहे वो चाइना में यूज़ कर रहा हो, चाहे वो आपका इटली में यूज हो रहा हो, चाहे वो इंडिया में यूज हो, कहीं भी किसी भी कंट्री में यूज करेंगे तो उसका कैरेक्टर सेट ही अलग था। किसी भी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट सपोर्ट करेगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का। तो इसको यूज़ किया था, इसे जावा जो है यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाइट्स, साइंड, इंटीजर, साइंड अनसाइंड तो होते हैं। साइंड का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को लेकर चलता है। लॉन्ग का साइज हो गया आपका 64 बिट, इंटीजर का हो गया 32 बिट यानी 4 बाइट, शॉर्ट का हो गया 2 बाइट, बाइट का सिर्फ है 1 बाइट। 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। दोस्तों, तो इस प्रकार ये डेटा टाइप्स होते हैं सारे अलग अलग। अब थोड़ा हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की अगर बात करें, थोड़ा इंटीजर के बारे में डिटेल में समझते हैं, इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। तो इंटीजर डेटा टाइप की अगर बात करें, इस टू यूज़ टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। जैसे चलिए हम लोग एक प्रोग्राम भी करते हैं। और दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एक प्रोग्रामिंग किया है। अगर इसे गौर से अगर देखें तो यहाँ मैंने क्या किया है, सभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक क्लास ले लिया है। देखिए, पब्लिक लिखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक जब लिखते हैं तो जो क्लास नेम है उसी नाम से फाइल को सेव करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है, जिस नाम से आप क्लास बनाए उसी नाम से आपको सेव भी करना है, सेम होना चाहिए। अगर आपने पब्लिक लिख दिया तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ मैंने सारे वेरिएबल ले लिए, बुलियन भी, वाइट भी, कैर भी, डबल भी, फ्लोट भी, इंटीजर भी, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, स्ट्रिंग भी, ये मैंने सारे ले लिए। स्ट्रिंग आपको जैसे हो गया रेफरेंस टाइप में, इन सभी का मैंने जब इसको आप रन कराएंगे, तो
तो आप आउटपुट क्या गेट करेंगे दोस्तों, ये देखिए मैंने पहले से ही रन करा के रखा है। ओके, यहाँ देखिए जावा सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डॉट जावा लिखा कंपाइल हो गया, उसके बाद फिर ये सारा वैल्यू आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। बुलियन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, बाइट का जीरो, कैरेक्टर दिखता नहीं है, यूनिकोड कैरेक्टर डबल 0.0, फ्लोट भी 0.0, इंटीजर भी 0, लॉन्ग भी 0, शॉर्ट भी 0 और स्ट्रिंग नल। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया। आप कोई सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए, तो आप जैसे मैं यहाँ पे अपने कर लिया, तो ये सारे स्टैटिक कीवर्ड जो है वो आपका वन टाइम मेमोरी लोकेशन अलाउ करता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर ये है, बार बार मेमोरी बार बार मेमोरी लोकेशन आपका चेंज नहीं होगा अगर आपने स्टैटिक यूज़ कर दिया तो। इसलिए देखे होंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, तो दोस्तों यही यहाँ का मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मैंने यहाँ लिखा है। जैसे सी में सिर्फ क्या होता है, हम लोग इसे इंट मेन लिखते हैं या वॉइड मेन लिखते हैं। ओके, जनरली आप तो इंट मेन ही लिखते हैं। तो ये जो है आपका, तो यहाँ देखिए स्टैटिक बना गया। स्टैटिक मतलब क्या हो गया कि मेन को मैंने एक लोकेशन दे दिया, अब बार बार उसी लोकेशन से मेन फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बनाते हैं, मेन को स्टैटिक बनाते हैं। पब्लिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि बार बार इसे अदर क्लास वाले कॉल करेंगे, मतलब इसे क्लास से बाहर ही एक्सेसिबल करना है, ठीक है, इसलिए इसे पब्लिक बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्क्स ये आर्क्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम रन करेगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रोग्राम दोस्तों यहीं पर आपका देखिए ख़त्म हो चुका है। ओके, अब हम लोग इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो लॉन्ग की अगर बात करें, साइज ये देखिए दोस्तों रेंज है, ठीक है, ये जो है आपका रेंज है -9223720633685477580082, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू है, -2n-1-2n ये वैल्यू इस दोस्तों इसका होता है आपका रेंज निकालने का फॉर्मूला। ओके, फिर इंट शॉर्ट बाइट अगर डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर छोटा होना चाहिए सी वो दोस्तों, और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर लिटरल, जरा इस चीज़ को समझते हैं। एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू इज यूज्ड इन आवर प्रोग्राम डायरेक्टली इज कॉल्ड लिटरल। जैसे यहाँ देखिए आपने जीरो यूज किया तो जीरो आ गया आपका, ये चूँकि इंटीजर है तो बोलेंगे इसे इंटीजर लिटरल। उसी प्रकार मान लीजिए अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर किए होते, सपोज ये मैंने लिखा है यहाँ पे strring स्ट्रिंग str और इज इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा learners लर्नर्स adda अड्डा, मैंने ये लिखा, तो ये जो दिख रहा है आपको लर्नर्स अड्डा, ये हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। तो है तो लिटरल ही, कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड लिटरल, इस चीज़ को आप याद रखें, चाहे वो इंटीजर का है तो इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ तो स्ट्रिंग लिटरल, फ्लोट से जुड़ा हुआ तो फ्लोट लिटरल, डबल से जुड़ा हुआ है तो डबल लिटरल, कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है तो कैर लिटरल, समझ रहे हैं। लिटरल का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, उसी प्रकार अगर रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें इंटीजर में तो बहुत सारे होते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, पहचानेंगे कैसे, अगर आपका देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए क्या है, वो ऑक्टल है, अगर जीरो एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वो हेक्साडेसिमल है। ओके, और यहाँ देखिए लॉन्ग के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सफिक्स में आपको एल लिखना पड़ेगा, सफिक्स में आपको एल लिखना पड़ेगा लॉन्ग के लिए। ओके दोस्तों, तो ये पहचानने के लिए कि कैपिटल एल है तो समझ लीजिए वो लॉन्ग है, और जीरो एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वो हेक्साडेसिमल है, और सिर्फ जीरो से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई भी इंटीजर वैल्यू तो समझ लीजिए वो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके दोस्तों, तो ये सारे रेंज आपको जो है याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट बाइट। ओके, जनरली कभी कभी इंटरव्यू में इसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, सिंगल कोट्स में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कोट्स में अगर बोल मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए मैंने अगर लिखा
सिंगल कोट्स का मतलब क्या होता है। सपोज कि आपने लिखा सी एच ए आर कैर, एच ए आर कैर सी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने सिंगल कोट्स में सिक्स लिख दिया। तो दोस्तों यह सिक्स इंटीजर नहीं है, अब ये कैरेक्टर है। तो ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखिए हमेशा, सिंगल कोट्स में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है सिर्फ एक ही लेटर, हमेशा याद रखिए इसे, इसको सिर्फ एक ही लेटर अगर लिख रहे हैं तो वो कैरेक्टर कहलाएगा। ओके दोस्तों, सिर्फ क्या कहलाएगा वो हेटर, सिंगल कोट्स में अगर एक लेटर लिख रहे हैं तो, अगर डबल कोट्स में आप एक ही लेटर लिख सकते हैं और एक से ज़्यादा भी लेटर लिख सकते हैं, तो दोस्तों वो आपका कैरेक्टर नहीं कहला कर स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यूनिकोड डिफाइंस फुल्ली इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट डेट कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स फाउंड इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेज। मैंने बताया ही था कि सारे जो भी कैरेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे यूनिकोड में आपको मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो इसलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड वाइड जो है जावा आपका फेमस हो, और बहुत फेमस हुआ भी दोस्तों स्टार्टिंग में 90s की अगर बात करें, 1996 2000 के अगर पीरियड की अगर बात करें तो उसमें जावा जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था दोस्तों। ओके, तो आज भी इफेक्ट है उसका, ठीक है। जो भी आप, चाहे आप एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मेट्रो कार्ड यूज़ कर रहे हो, ओके, चाहे आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, ओके, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे जो कंपनी में जो आई कार्ड जो दोस्तों होते हैं, ओके, तो वो सब में जो कोडिंग किया गया है दोस्तों वो आपका जावा का ही कोडिंग किया गया है, जावा कार्ड। ओरेकल के हमेशा याद रखिए, ओरेकल के तीन प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले आपका कोर जावा जो स्पेशली प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया था, दूसरा होता है जावा कार्ड जो है वो यूज़ किया था, और तीसरा जो होता है आपका इंटरप्राइज एप्लीकेशन जावा, मतलब जिसको हम एडवांस जावा के रूप में भी जानते हैं, यूज़ किया जाता है दोस्तों। ओके, तो उसको भी याद रखिए, उसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एम को किया, एम तो मैंने प्रिंट किया था, एम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या किया है, 88 को CH1 में मैंने यूज़ कर दिया, इंटीजर को मैंने साइन कर दिया, और यहाँ पर वाई को साइन कर दिया, तो वाई और ये प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर यहाँ देखें, यहाँ मैंने CH1 में पी दिया और CH1 को प्लस प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़कर पी से क्यू हो जाएगी। ओके दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एक नोटपैड लेते हैं, NOTE, बताइए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप जिस लोकेशन, मतलब जिस लोकेशन पे अपना फोल्डर आपने बनाया है उस लोकेशन पे कमांड के थ्रू पहुँच जाइए। ओके दोस्तों, और उसके बाद नोटपैड आप या तो उसी फोल्डर में जाकर बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नोट NOTE नोटपैड, और मान लीजिए मुझे क्या है डेटा टाइप, तो DATA डेटा टाइप TYP, हमें अपना कन्वेंशन भी फॉलो करना है दोस्तों, तो डेटा टाइप डेमो DEMO, देखिए डेटा का डी बड़ा, टाइप का टी बड़ा, और डेमो का अगेन डी बड़ा, डॉट जावा। ओके दोस्तों, और इंटर कर लिया, अब हमने लिखा CLA डबल एस क्लास DATA डेटा टाइप, ओके DEMO डेटा टाइप डेमो, और हमने यहाँ पर बात किया है दोस्तों PUBLIC STATIC VOID वाइड MAIN वाइड मैन, और हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग आर्ग्स STRING स्ट्रिंग ARGS स्ट्रिंग आर्ग्स लिख दिया हमने। अब यहाँ पर वैसे आपने अगर इंट लिखा, मैंने लिखा K इज इक्वल टू 12, इस प्रकार अगर आपने लॉन्ग लिखा LONG लॉन्ग M इक्वल टू 56 कैपिटल L। ओके दोस्तों, उसी प्रकार हमने लिखा यहाँ पर BOOLEN बुलियन DECISION डिसीजन।
हमने लिख दिया टी आर यू ई, ट्रू ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू होती है बुलियन का। ओके तो ये अलग अलग डेटा टाइप आप यहाँ पर दोस्तों यूज कर सकते हैं, और सभी को क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। हम लीजिए कैरेक्टर भी काम कर लेते हैं, सी एच ए आर कैर सी एच वन इज इक्वल टू, सपोज किए सिंगल में मैंने कैपिटल दे दिया। ओके दोस्तों, और मैं सभी को डिस्प्ले करना चाहता हूँ एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन। और हमने यहाँ पर जो है सिंगल कोट नहीं देते, डबल कोट्स दीजिए, फिर प्लस मान लीजिए के को प्रिंट करना है तो के कर लिया इंटीजर वैल्यू आई एन टी ई जी ई आर इंटीजर। उसी प्रकार आप दूसरा भी यूज करना चाहें तो मैं इसी को या इसी में यहाँ पर दोस्तों प्लस दे दिया, फिर स्पेस दिया और यहाँ लिख दिया इस बार एल ओ एन जी लॉन्ग, फिर स्पेस, फिर प्लस, यहाँ पे सिर्फ एम लिखा, फिर प्लस दोस्तों इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ओके फिर स्पेस, फिर प्लस, इस बार दे दिया हमने यहाँ पे सी एच वन। ओके दोस्तों, और कंट्रोल एस और सेव कर लिया। अब हम चलते हैं, आप ऑल्ट और टैब प्रेस करके स्विच कर सकते हैं दोस्तों जो भी विंडो आप ओपन किए हैं उसमें। तो मैंने लिखा यहाँ पर डायरेक्शन की प्रेस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सारा लिखा हुआ आ जाएगा, और हमने यहाँ लिख दिया जे ए वी ए जावा सी इंटर। ओके दोस्तों, कंपाइल कर लिया हमने और यहाँ पर इंटर। तो आगे वैल्यू देखिए इंटीजर 12 लॉन्ग 56 और कैरेक्टर हमारा ए है। ओके दोस्तों, अब यहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सी एच वन ये प्लस प्लस दोस्तों इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं वापस आया, जब भी कोड में आप चेंज करेंगे तो हमेशा आपको कंपाइल करना है, यानी रिकम्पाइल करेंगे दोस्तों। उसके बाद अब मैं इसके यहाँ प्रिंट कर दिया तो देखिए बी प्रिंट हो रहा है, यानी ये क्या कर गया, इसका आस की वैल्यू में चेंज होता है। जब आप प्लस प्लस यूज करते हैं तो क्या हो गया, आस की वैल्यू था 65, वो बढ़ के हो गया आपका क्या हो गया 66, इसलिए वो बी प्रिंट कर रहा है। ओके दोस्तों, तो डेटा टाइप में आप प्रिमिटिव आज हम लोगों ने देखा, फिर आगे के क्लासेस में नॉन प्रिमिटिव भी देखेंगे, जहाँ देखेंगे जब ऑप्शन कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो सारा कुछ ही है, अभी एक एक करके हम लोग वीडियो में धीरे 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 सारे चीज़ें सीखेंगे। ओके दोस्तों, और इनपुट कैसे लिया जाता है ये भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस करूँगा मैं। ओके दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। ओके, और दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो जावा सीखना चाहते हैं उन्हें भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और आपके थ्रू मिलता है तो और बहुत बड़ी बात है, उन्हें बहुत खुशी होगी। ओके दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।